यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सेंध काटकर 43,000 नकदी समेत कीमती सामानों की चोरी, एक हफ्ते में दूसरी चोरी से क्षेत्र में दहशत। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कोड़िया गांव में सेंध काटकर चोरों ने 43,000 नकदी समेत कीमती सामान और जरूरी कागजात की चोरी हुई है। फूलपुर कोतवाली की पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। लगातार हो चोरी की घटना से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गया है। वही चोरी की घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस असफल दिखाई दे रही है। फूलपुर के कोड़िया गांव निवासी सोमारू पुत्र हेमराज के घर में दो जगह सेंध काटकर 43,000 नकदी और कीमती सामान और कागजात चोरों ने चोरी कर लिया। गुरुवार की रात एक ही घर में दो जगह सेंध लगाया है। पहली जगह सेंध काटने पर घर के अंदर ड्रम पर जाने के कारण चोर अंदर नहीं घुस पाए, फिर चोरों दूसरी जगह सेंध मारी किया। चोरों ने वहां सफलता हासिल करते हुए घर में घुस गए। घर में रखे दो बॉक्स को चोर बाहर उठा ले गए। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने एक अटैची रखे 30,000 और बॉक्स में रखे 13,000 नकदी सोने चांदी के कीमती सामान और कागजात को चोरी कर लिया। बॉक्स और अटैची घर से 200 मीटर दूर फेंका हुआ मिला है। सूचना पाकर फूलपुर कोतवाली की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जाँच पड़ताल में जुट गई। वहीं कुछ दिन पहले रीवा सुल्तानपुर में 5 अक्टूबर को लाखों की चोरी हुई थी। एक हफ्ते के अंदर दूसरी चोरी आज हुई है। चोरों के बढ़ते हौसले से पुलिस की नींद उड़ गई है। लगातार चोरी से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गया है। फूलपुर कोतवाल शशिचंद चौधरी का कहना है कि कोड़िया में चोरी हुई है, जांच पड़ताल किया जा रहा है, पीड़ित की तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आजमगढ़ फूलपुर से विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट। है आपका सोमारू, कहाँ घर है आपका? घर तो वसली सनैया है। आपका सोमारू? पिताजी का नाम हेमराज। ये आपका घर कहाँ पे है? यहीं कौड़िया। कौड़िया में है? क्या मामला हुआ, कैसा चोरी हो रही हुआ है? अब चोरी कुलोमा कागज पत्र रहा है। कौन सा कागज था? मुकदमे वाला कुल कागज रहे हैं जी, बनामा वाला कागज रहे हैं। अच्छा, और 30,000 रुपया मेरे अटैची में रहा है। नगद रखे थे जी? और जेवरात भी कुछ था? दूसरे पेटी में रहा है, लड़के अपने लड़की में। हाँ, आधार कार्ड रहा, पहचान पत्र रहा है। अच्छा, और ये कुल रहा है। चोरी की घटना कितना बजे हुई थी? ये अनुभव ना हो, चोरी का अनुभव नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन थे जब यहाँ पे जब चोरी हुआ तो कौन कौन थे? आप थे यहाँ पे? हाँ, हम रहे हम मरे सुतल रहे। हाँ, लेकिन कौनो अनुभव ना मिला जी। लड़की रहे वहाँ मरे सुतल रहे। अच्छा, और कौनो अनुभव ना मिला, और अंदर से दरवाजा बंद है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मना संगीता है। संगीता, कहाँ रहे आपका, घर कहाँ है आपका? घर में टिकरी में रहे हैं। यहाँ किस जगह पर रहते हैं आप? मायके में। मायके में किस जगह पर रहते हैं? कौड़िया। थाना कौन सा लगता है? फूलपुर। क्या मामला हुआ, कैसा चोरी हुआ? मामला बा जैसे कि घर बा हमारे पीछे सेम होटल बाटे। हाँ। और केवाड़ी बंद रहा लिए। हाँ। हमारे एक बच्चा बड़ा है, एक छोटा है, लड़की सब सोल रहने वो सोल ला ली। हाँ। हम लोग को पता ना चले, दो पिल्ला रहने उन्हें अपन बोले जगह नहीं, हम उसको जा ना पाऊली। कौन जगह हुआ? अरे पिल्ला। अच्छा, कुत्ते थे? कुत्ते उन्हें जगह नहीं, हम उठली हम ना जा पाऊली, उन्हें डांट के भगा डाली। अच्छा, तो क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी भैल बा जैसे हमारे पिताजी का अटैची जौन लगे, हमें 30,000 रुपया रहा है, और जौन कि कपड़ा लत्ता रहा है, और आधार कार्ड और कागज पत्र रहा, हमारे में मुकदमा में कागज पत्र रहा है, और 13,000 रुपया रहा है, कपड़ा लत्ता रहा है। 13,000 रुपया था? और पानी मन के अच्छी गया है। अच्छा, 13,000 रुपया था। हाँ। दादाजी बता रहे हैं कि 30,000 उनके अटैची में रहा। अच्छा, कितना अटैची चोरी हुआ है? दो, एक अटैची एक पेटी। अच्छा, एक अटैची एक पेटी चोरी हुआ है। 150-200 किलोमीटर पीछे फेंके हैं खेतारी में। अच्छा, 200 मीटर पीछे। हाँ, ठीक है। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना 2 के ऊपर की है। 2 को आपने पुलिस को सूचित कब दिया? अब हम सवेरे जब उठली अपन गोरु को पता ही ना है कि गाड़ी वाड़ी खोल के, तब फिर अपन अंगारा पिछवाड़ा जब देखा लिया, तब देखा तो जेल टूटल हो, तो हम 5 बजे देखा लिए, 5 बजे बस। अच्छा, ठीक। चोरी हुई या और भी हुई है पहले? कहो भैया, पहली इस क्षेत्र में? हाँ, एकदम राजकुमार का है। हाँ, पहली बार।
और सेन फूटा है। एक जगह फोरे हैं तो वहाँ डराम तीन ठीक पारी वहाँ ना हल पाने और कहाँ से फोरे दूसरी जगह बगल में फरले हैं तो मन के हालत है। अच्छा, तो ये जो है इस क्षेत्र में पहली बार चोरी हुआ है ना। ठीक है, किसी के ऊपर शक है आपको? किसी के ऊपर सब मर मुकदमा दुश्मन है ना, के हम शक बताई। देखे ना।